ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम विचार कर रहे थे कि अगर व्यक्ति मनुष्य जीवन में तीन प्रकार के जन्म भी ले लेता है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है तो ये तीनों प्रकार के जन्म भी व्यर्थ हैं। और इन तीन जन्मों के बारे में ये क्या होते हैं, हमने कहा था कि इस कथा में थोड़ी और इसके बारे में चर्चा करेंगे। जन्म भी ही त्रिभी ही, त्रिभी का मतलब होता है तीन प्रकार के। तो पहला हमने बताया था, इसको कहते हैं शौक्रा, मतलब जो पिताजी के वीर्य के द्वारा आत्मा को जब माँ के गर्भ में प्रदान किया जाता है और बाद में माँ के गर्भ के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, इस प्रकार के जन्म को कहते हैं शौक्र। तो इस प्रकार का जन्म तो जानवरों का भी होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला जन्म हमने कहा था सावित्र, जब प्रथम दीक्षा गुरु प्रदान करते हैं अपने शिष्य को। तो जब हम प्रमाणिक गुरु से पहली दीक्षा प्राप्त करते हैं, पहली दीक्षा को कहते हैं हरि नाम दीक्षा। इस दीक्षा के द्वारा, दीक्षा का मतलब देखिए क्या होता है, दी मतलब होता है दिव्य ज्ञान और अक्षा का मतलब होता है शिपति। दीक्षा के समय में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, गुरु अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और शिपति का मतलब होता है जो हमारे पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं शिपति। तो दीक्षा के समय में गुरु हमें गुरु परंपरा के द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरा, हमारे जो पाप कर्म हैं गुरु की कृपा से नष्ट हो जाते हैं, इसको दीक्षा कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि कलयुग के अंदर में प्रैक्टिकली आप देखें तो गर्भदान संस्कार सही प्रकार से या कोई करता ही नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो कलौ शूद्र संभवत, कलयुग में हम सबका जन्म, हम कह सकते हैं कि नहीं मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन वेदों के अनुसार जहां पर भी गर्भदान संस्कार का सही प्रकार से वो नहीं किया गया है तो जो हमारा जन्म होगा वो शूद्र का ही जन्म होता है। और ये भी कहा है, देखिए जन्म जायते शूद्रा, जन्म से जब हम जन्म लेते हैं खासकर कलयुग में सब अज्ञानी ही होते हैं, उसको शूद्र कहते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे शूद्र कहते हैं।
संस्कारात भवेत द्विजा। और जब हम अनेकों प्रकार के संस्कार सीख लेते हैं अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में ही हम संस्कार सीख सकते हैं, तो जब अनेकों प्रकार के संस्कार हमारे हो जाते हैं, संस्कारात भवेत द्विजा, गुरु अपनी दीक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा हमें संस्कार देते हैं, तब हम कहलाते हैं द्विजा। तो उसे पहली दीक्षा हो गई। उसके बाद में जब हम हरि नाम दीक्षा, भगवान के नाम का जप और नियमों का पालन काफ़ी समय तक कर रहे हैं और हमारे मन का शुद्धिकरण हो रहा है, तब हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम भगवान की विग्रह की उपासना कर सकें, हम यज्ञ भी कर सकें। तो मतलब क्या है, तब गुरु, प्रमाणिक गुरु हमें ब्राह्मण की दीक्षा देते हैं। जब हमें ब्राह्मण की दीक्षा मिलती है तभी हम भगवान की अर्चना मंदिरों में कर सकते हैं, तभी हम यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठेगा, आजकल हम लोग देखते हैं ये बहुत बड़ा हमारे समाज के अंदर में कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक काफ़ी देर से बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि सनातन धर्म में ये जो ब्राह्मण कुल के लोग थे, इन्होंने बाकी जो लोग थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इतिहास में देखें तो ये सही है, क्योंकि लेकिन ये ब्राह्मण कुल के लोग नहीं थे, इनके अंदर में ब्राह्मण के गुण और कर्म भी नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। लेकिन जैसे हमने बताया था पिछली कथा में, वेदों के अंदर में ऐसा बताया है, देखिए ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि ब्रॉन्ज मेटल जो होता है, कांस्य का जो पदार्थ होता है, रसायन विधि के अनुसार अगर हम कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन करें तो ब्रॉन्ज को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। रसायन विधि अगर हमें पता है, बेल मेटल को गोल्ड बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रमाणिक गुरु की दीक्षा के द्वारा एक व्यक्ति को, उसने चंडाल के घर में भी क्यों ना जन्म लिया हो, शूद्र के घर में भी जन्म लिया हो, किसी भी प्रकार का जन्म लिया हो, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन सकता है प्रमाणिक गुरु की दीक्षा और उनके द्वारा दी गई साधना संस्कार को अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है। तो भागवत में तो कहा है वो तुरंत यज्ञ करने लायक हो जाता है और वो भगवान की मंदिरों में उपासना भी कर सकता है, आरती भी कर सकता है, जो हम देखते हैं कि केवल ब्राह्मण करते हैं। मतलब क्या है, बड़ा सरल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा इसको याद रखिए, केवल ब्राह्मण ही, जब व्यक्ति ब्राह्मण के पद पर होता है तभी वो भगवान की उपासना कर सकता है और यज्ञ कर सकता है, पहला। दूसरा, कोई भी व्यक्ति मनुष्य जन्म में अगर प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, उनके निर्देश के अनुसार, उनके प्रयास के द्वारा कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। ये दो चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। पहला, जैसे बड़ा सरल है, देखिए एक दूसरा उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ
केवल सर्जन सर्जरी कर सकता है। तो इसमें कोई गलत है क्या, बताइए? कुछ गलत नहीं है। जो व्यक्ति सर्जन के स्तर पर आ चुका है वही सर्जरी कर सकता है। लेकिन दूसरा, कोई भी व्यक्ति सर्जन बन सकता है अगर वो सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है। सबके लिए छूट है, कोई भी बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देश में साधना के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, साधना भक्ति के प्रयास के द्वारा कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। और केवल ब्राह्मण बनने के बाद ही व्यक्ति जो है, जैसे हम देखते हैं गर्भगृह के अंदर में केवल ब्राह्मण प्रवेश करता है, क्योंकि उसने वो शुद्धता मन की, तन की, सभी प्रकार की शुद्धता जो है प्राप्त की है, और वो कोई भी बन सकता है। तो आप सोचेंगे, नहीं ये तो मैं कह रहा हूं, वेदों में कहां लिखा है? भागवतम में स्वयं लिखा है। नारद मुनि कहते हैं, देखिए, और आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे विश्वामित्र, आप देखिए, विश्वामित्र जो हैं क्षत्रिय और बाद में ब्राह्मण बने, तो क्षत्रिय कैसे ब्राह्मण बन सकता है? जन्म तो क्षत्रिय के कुल में, लेकिन ब्राह्मण के कर्म करते थे, ब्राह्मण के गुण अर्जित किए। तो ये हम उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वेदों के अंदर में हम देख सकते हैं। देखिए नारद जी क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, भागवतम में आता है। वो कहते हैं, ये सातवें स्कंद में है, यस्य यत् लक्षणम् प्रोक्तम्। हमको लक्षण देखने हैं व्यक्ति के अंदर में, ये महत्वपूर्ण है। लक्षण गुण उसके अंदर में क्या है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर में गुण है कि वो पढ़ाई कर सकता है तो एजुकेटेड बन जाता है ना। ठीक इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अंदर में अगर हमें ब्राह्मण के लक्षण दिखाई देते हैं, उसको ट्रेनिंग के द्वारा ब्राह्मण बना सकते हैं। उसने चाहे चंडाल के घर में क्यों ना जन्म लिया हो, केवल इतना होता है, ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया है उसके लिए ब्राह्मण बनना आसान होता है। ब्राह्मण कोई कुल की पदवी नहीं है, ब्राह्मण एक क्वालिफिकेशन है। जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, ये हमें समझना है। और भगवद गीता में तो भगवान क्लियरली कहते हैं, चतुर्वर्णा मया श्रिष्टम, ये चार वर्ण मैंने बनाए हैं, लेकिन क्या जन्म से बनाए हैं भगवान ने? पूरी भगवद गीता में कहीं पर भी नहीं कहा है भगवान ने। गुणा कर्मा विभाग शाह, गुण के अनुसार, क्या आपके अंदर में ब्राह्मण के गुण हैं और क्या आप ब्राह्मण के कर्म कर रहे हैं? ये है। तो नारद जी कह रहे हैं, यस्य यत् लक्षणम् प्रोक्तम् पुंसो वर्णा अभिव्यञ्जकम् यत् अन्यत्र अपि दृश्येता। अगर ये लक्षण आपको कहीं और पर भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पष्ट है, देखिए, यद अन्यत्र अपि दृश्येता तत्तेनेव विनिर्दिशेत। तो उस व्यक्ति को भी हम, अगर कोई व्यक्ति के अंदर में क्षत्रिय के गुण है, जैसे शौर्य है, वीर्य है, ये गुण अगर हमको कहीं पर भी दिखाई दे जाएं, उसको हम क्षत्रिय के रूप में ट्रेन कर सकते हैं, वो क्षत्रिय बन सकता है। इसी प्रकार से किसी ने कहीं पर भी जन्म लिया हो, अगर उसके अंदर में गुण है बिजनेस करने के, तो उसको हम ट्रेनिंग दे करके एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं।
तो ये ट्रेनिंग के ऊपर और गुणों के ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए किसी में गुण ही नहीं है कुछ सीखने के, आप उसको डॉक्टर थोड़ी बना सकते हैं, थोड़े गुण तो होने चाहिए ना। लेकिन सबके लिए खुला है कि कोई भी डॉक्टर बन सकता है जिसके अंदर में योग्यता हो। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर बताए गए हैं कि तीन प्रकार के जन्म होते हैं, पहला जन्म तो सबका हो गया, दूसरा जो जन्म होता है जिसे सावित्रा कहते हैं, उस प्रकार का जन्म दीक्षा के द्वारा कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, और तीसरा जो व्यक्ति जो है यज्ञ कर सकता है, व्यक्ति जो है भगवान की मंदिरों में अर्चना कर सकता है, यानी ब्राह्मण बन सकता है, वो कोई भी व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के द्वारा गायत्री दीक्षा के द्वारा प्राप्त करने के बाद में कर सकता है। और एक जगह पर देखिए भागवतम में क्या बताया है, बहुत सुंदर, ये भी एक बड़ा सुंदर श्लोक है। चंडालो अपि द्विजा श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण। अगर कोई चंडाल भी, ये देखिए बड़ा स्पष्ट है यहां पर, चंडालो अपि, चंडाल भी क्यों ना हो, द्विजा श्रेष्ठा, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, हरि भक्ति परायण, अगर वो भगवान हरि की भक्ति में लगा है तो वो द्विज से भी श्रेष्ठ है, अगर वो चंडाल भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की भक्ति में लगा है। हरि भक्ति विहीनश्च द्विजो अपि स्वपचा अधमः।